अस्सलाम वालेकुम, मैं सराज राब दे रहे हैं लर्निंग विद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ 11th क्लास के रिजल्ट के वाले से कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। जीते स्टूडेंट्स, फाइनली 11th क्लास का रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। जैसा कि आज संडे है और आपके पास ट्यूजडे को जून से आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, सुबह 10 बजे अनाउंस किया जाएगा। स्टार्टिंग में वेबसाइट थोड़ी सी बिजी होती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने जो वेट करना और आपका जो रिजल्ट है वो आपको हो जाएगा। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इस हवाले से कंफ्यूजन होती है 11th क्लास के रिजल्ट के हवाले से कि हमारे पेपर कैसे चेकिंग हुए हैं, हमारा रिजल्ट कैसा होगा। और इसके अलावा काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे हमने चेक करना है, कैसे आप आसानी से घर बैठे बैठे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि 11th क्लास का रिजल्ट आपका कैसा होगा। अब सबसे पहले आपने उन यूट्यूबर्स के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना जो कहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो गंदा आएगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता दूं कि जिस स्टूडेंट ने अच्छे एग्जाम्स दिए हैं और जिनके पेपर अच्छे हुए हैं उनका रिजल्ट कभी गलत आ ही नहीं सकता। अब अगर आपने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर आपका जो उनका रिजल्ट जरूर खराब आएगा। और इसमें जो उनका एग्जामिनर्स की गलती नहीं होती, इसमें पेपर चेकर की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट की गलती होती है, ठीक है। तो अगर आपने पेपर अटैम्प्ट किया तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। अब होता ये कि परसेंटेज देकर स्टूडेंट डर जाते हैं कि अक्सर ऐसा ही होता है कि 11th क्लास के अंदर बिलो 50% जो स्टूडेंट की होती है वो पास होती है, बाकी सारे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अब इसकी भी एक रीजन ये है कि आप जब 9th 10th के बाद जब आप फर्स्ट ईयर यानी कि कॉलेजेस के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा जो है माहौल चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, टीचिंग सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप जब स्कूल के अंदर होते हैं वो सिस्टम कुछ और होता है और जब आप कॉलेजेस के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा जो सिस्टम में तब्दीली आती है। इस सिस्टम की तब्दीली की वजह से थोड़ा सा जो स्टूडेंट के ऊपर जो है रिजल्ट के ऊपर भी असर पड़ता है, लेकिन ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ता। जिस स्टूडेंट का गोल एक अच्छा गोल हो और एक अच्छा मोटिवेट हो वो स्टूडेंट, तो उसका स्टूडेंट का कभी भी रिजल्ट खराब नहीं होता कॉलेजेस में भी आकर। तो अगर आपने अच्छे एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं, आपके जो आपकी तैयारी अच्छी थी, आपने अच्छी तरह पेपर अटेम्प्ट किया, तो कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो गलत नहीं आएगा। तो अगर आपने पेपर बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया, आपने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, आपको क्वेश्चन आते नहीं थे, आपने गलत लिख दिया, तो फिर तो जाहिर है कि आपका जो रिजल्ट है वो खराब होगा। तो परसेंटेज जो है वो कम होती है फर्स्ट ईयर के अंदर, ऐसा नहीं है कि सबका ही अच्छा आ जाता है, लेकिन उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होता है और जो टीचर्स की जो टीचिंग का मेथड है वो भी चेंज होता है, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ स्टूडेंट जाते हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो इनके भी रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट थोड़ा सा हमें खराब देखने को मिल जाता है। लेकिन ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का खराब नहीं होता, जिन स्टूडेंट्स के पीछे भी मार्क्स अच्छे थे वो इंशाल्लाह आगे भी अच्छे मार्क्स लेंगे और आगे भी लेते जाएंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का मोटिवेट होते हैं जो स्टूडेंट्स और जिनका गोल अच्छा होता है वो आगे भी ऐसे ही अपने अच्छे मार्क्स की तरफ जाते हैं। तो ये तो होगी हमारी बात जो है रिजल्ट कैसा होगा। बिल्कुल भी आपने यकीन नहीं करना कि आपका रिजल्ट खराब होगा, तो इससे आप जो उनसे टेंशन में आएंगे और जो उनसे अपने आप में स्ट्रेस लेंगे तो इसकी कोई भी ऐसी बात नहीं, आपका रिजल्ट जो है इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने रिजल्ट कैसे चेक करना है, मुख्तलिफ मेथड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला मेथड जो सबसे आसान है कि आप बाय SMS अपना जो उनसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वो क्या तरीका है, आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक स्क्रीन शॉट और पिक्चर शो हो रही होगी, तो आपने इसको देख लेना है कि यहाँ पर आपके बोर्ड्स तक पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं उनकी जो उनसे यहाँ पर लिखे हुए हैं कोड्स, इन कोड्स के ऊपर आपने अपना रोल नंबर सिंपल सेंड करना है तो आपका जो रिजल्ट है वो आप तक पहुंच जाएगा। एक तो मेथड ये बहुत सिंपल है। दूसरा मेथड ये कि आप जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो वेबसाइट पर जाएंगे और आपको रोल नंबर वाला जो उनसे बॉक्स मिल जाएगा वहां पर अपना रोल नंबर एंटर करेंगे और आप अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वेबसाइट बिजी हो जाती है तो जो उनसे आपका रिजल्ट जो है वो मुश्किल होता है थोड़ा सा निकालना, लेकिन ये सिर्फ 30 मिनट्स के लिए होता है, उसके बाद जो उनसे आप आसानी से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। थर्ड मेथड ये है कि अगर आपको अपना रोल नंबर नहीं पता और अगर आप किसी अपने फ्रेंड का रिजल्ट निकालना चाहते हैं या फिर आप चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि जब आप लाहौर बोर्ड की या किसी भी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां पर जब रिजल्ट आप अपना रोल नंबर एंटर करने लगेंगे तो वहां से नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा गैजेट का, तो सिंपली आप गैजेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्लिक करके आप जो है PDF फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, उस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना और उसके बाद जो है आपने उस फाइल के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्च का, वो किसी भी PDF स्कैनर के अंदर होता है, आपने क्या करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना और अपना जो सा नाम लिख लेना है, किसी स्टूडेंट का नेम है, आपका अपना नेम है, आपने फुल अपना नेम लिख देना फादर के नेम के साथ, तो कुछ देर स्कैनिंग के बाद जो सा आपका रिजल्ट मार्क्स शो हो जाएंगे और आपको अपना रोल नंबर भी दिख जाएगा, तो आप जाके अपने रोल नंबर वहां पर एंटर करके आप मुकम्मल मार्कशीट भी निकाल सकते हैं। तो ये तमाम मेथड से आपके रिजल्ट चेक करने के लिए, और अगर इसके मुताबिक अगर आपको मजीद कोई अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो आप जरूर मुझे बताइए, तो मैं भी आपकी जो वो हेल्प कर सकता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर ले, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।